पेरिस ओलंपिक 2024 के 12वें दिन भारत के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई। महिला फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम में जगह बना चुकी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मेडल जीतने का सपना टूट गया। बुधवार सुबह स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले वजन के दौरान उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया है। ऐसे में वह डिस्क्वालीफाई हो गई है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश विनेश के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश का हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA अध्यक्ष पीटी उषा से भी बात की। उन्होंने IOA अध्यक्ष से इस मुद्दे और विनेश के झटके के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों के बारे में जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए कहा है। उन्होंने पीटी उषा से यह भी अनुरोध किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वह अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराए। बता दें कि महिला फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम के फाइनल में USA की सारा इनहिल्डेब्रांड का सामना क्यूबा की पहलवान यूसनेलिस गुजमैन लोपेस से होगा।